आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज है तारीख 26 जनवरी, दिन है मंगलवार। मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में जवानों का पराक्रम भी दिखा और किसानों का गुस्सा भी। दिल्ली के भीतर जबरन घुसकर किसानों की ट्रैक्टर रैली हुई, तो क्या अब किसानों के लिए लोगों का नजरिया बदलेगा और क्या होगी अब किसानों की आगे की रणनीति। दूसरी खबर में बात होगी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 की, जिसमें भारत ने टॉप 10 में जगह बनाई है। तो पर्यावरण के लिहाज से भारत की स्थिति इतनी चिंताजनक क्यों है? क्या कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को भारत पा सकेगा? और राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें 100 को पार कर गई हैं, इसके बाद राज्य में वैट घटाने की मांग हो रही है। तो क्या देश की मौजूदा माली हालत के समय ये संभव है? और ये समझेंगे कि केंद्र राज्य के बीच वैट की शेयरिंग कैसे होती है और क्यों वैट घटाने को लेकर एक दूसरे के पाले में गेंद उछाली जाती है। और टेलीग्राम बॉट के जरिए टेलीग्राम पर बेचे जा रहे 50 करोड़ फेसबुक यूजर्स के नंबर, तो क्या है ये टेलीग्राम बॉट और इस मामले में कैसे हो सकती है कार्रवाई, ये भी जानेंगे। लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस खुशबू कुमार से। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई। हिंसा के बाद सिंघू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर समेत दिल्ली NCR के कई इलाकों में रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दिया गया है। देश ने आज अपने 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर परेड निकाली, जहां देश ने अपनी शक्ति को दुनिया के सामने दिखाया। भारत में टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर सहित 49 चाइनीज ऐप्स को अब हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। सरकार ने इन ऐप्स पर पिछले साल जून में टेम्पररी बैन लगाया था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने के बाद मुस्लिम समाज को मिली 5 एकड़ जमीन पर गणतंत्र दिवस के मौके पर मस्जिद की नींव रखी गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 30,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी करने की मांग की है। अमेरिका ने दक्षिण एशिया के 3 देशों के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा को खतरनाक बताया है। और आज भारत में बने गेम फौजी की लॉन्चिंग हुई। फौजी यानी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स को प्री रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से ही उपलब्ध करवा दिया गया था। आज हमारे देश का गणतंत्र 72 साल का हो गया है। संविधान और लोकतंत्र के इस खास मौके पर हर साल की तरह देश की राजधानी दिल्ली में देश की संस्कृति का प्रदर्शन हुआ। सेनाओं ने भी पराक्रम और शौर्य की झलक दिखाई। राजपथ पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री राजपथ पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई की और रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण किया। सेना ने 21 तोपों की सलामी दी और इसके बाद शुरू हुआ सेना के कर्तव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर। सबसे पहले राजपथ पर हंटर किलर सिद्धांत पर काम करने वाले युद्धक टैंक T-90, जिसे भीष्म के नाम से भी जाना जाता है, उसने सलामी दी। और इस बार कुल 32 झांकियां परेड में शामिल हुई और शुरुआत हुई नए नवेले केंद्र शासित राज्य लद्दाख की झांकी से। ये झांकी लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाकर दुनिया के सामने उदाहरण के तौर पर पेश करने के विजन पर केंद्रित थी। बंगाल की झांकी में स्कूली बच्चियों को मुफ्त साइकिल वितरण करने की योजना को दर्शाया गया, जिसमें राजनीति भी खोजी जा रही है। इसके बाद सबकी नजरें थीं उत्तर प्रदेश की झांकी पर, जिसमें राम मंदिर की झलक दिखाई दी और पहले भाग में महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करते दिखाया गया।
और फिर हुआ देश की ताकत का मुजाहिरा। वायुसेना में हाल ही में शामिल हुए राफेल ने पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया और ब्रह्मास्त्र, एकलव्य और वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन बनाकर आसमान में अद्भुत नजारा पेश किया। राफेल के अलावा मिग 17, मिग 35, अपाचे और चिन्हूक ने भी राजपथ के ऊपर आसमान में अपना जलवा बिखेरा। तो एक तरफ राजधानी के बीचों बीच जवानों का पराक्रम दिखा, तो वहीं राजधानी के चारों ओर किसानों का शक्ति प्रदर्शन। देश के दूसरे प्रधानमंत्री के नारे, जय जवान जय किसान की गूंज और धमक आज पूरे देश ने महसूस की। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन तय रूट और शांतिपूर्ण कहकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते देखते उग्र हो गया। किसानों ने अचानक रूट बदल दिया और फिर प्रशासन की सारी व्यवस्था धरी रह गई। तो सुनी आपने आवाज, इस भीड़ ने पुलिस की बैरिकेड तोड़ दी, डीटीसी बसों में तोड़फोड़ की और बहुत सी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठियां चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन बावजूद इसके वो किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से नहीं रोक पाई। किसान आखिरकार अपनी मनमानी करके लाल किले तक पहुंच ही गए और वहां तिरंगे के पास ही खालसा पंथ का झंडा भी फहरा दिया। इसी बीच दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत भी हो गई। हालांकि इसे लेकर आसपास के किसान प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रैक्टर चला रहे किसान को पुलिस की गोली लगी, जिसके बाद ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। अब इतना सब होने के बावजूद भी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ये कहते दिखे कि आंदोलन उनके बस में है और उपद्रव करने वाले लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। हमारे बस में आंदोलन, हमको पता है किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। तो किसानों के आंदोलन के इस हिंसक स्वरूप को देखने के बाद क्या देश के लोगों का उनके प्रति जो अब तक सहानुभूति वाला दृष्टिकोण था उसमें बदलाव आएगा? यही पूछा मैंने किसानों के आंदोलन को ग्राउंड से कवर करने पहुंचे इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, जब आखिरी बैठक किसान यूनियन और कृषि मंत्री की हुई थी, उसके बाद कृषि मंत्री ने निष्कर्ष ना निकलने पे एक बात कही थी कि इस आंदोलन के अंदर कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए हैं जो कि बातचीत का हल नहीं चाहते हैं। उनका यह भी कहना था कि इस आंदोलन की आत्मा अपवित्र हो चुकी है। इशारा ये था कि इस पूरे आंदोलन में और किसानों की भाड़ में कुछ ऐसे फैक्शन काम कर रहे हैं जो कि एक फ्लैश पॉइंट चाहते हैं या एक झगड़े का रूप चाहते हैं। जो डील हुई थी, जो करार हुआ था दिल्ली पुलिस और किसान यूनियन के बीच में कि कितने ट्रैक्टर चलेंगे, कब चलेंगे, कितने लोग होंगे, किस तरह के वॉलंटियर्स उसका नियंत्रण करेंगे, ये सबको ताक पर रखते हुए आज सुबह से जिस तरह का घटनाक्रम रहा है उसको देखते हुए इस समय पे एक बहुत तनाव का वातावरण है। इस दौरान देखा यह गया कि कुछ लोग बंदूकें लिए घूम रहे हैं, लाठी तलवारें, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और एक ने तो लोगों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर तक चलाने की कोशिश करी। ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, इससे एक बात तय है कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन को लेकर के एक सहानुभूति पब्लिक परसेप्शन था, सरकार काफी समय से कह रही थी कि इस तरह के तत्व हैं, लेकिन आज के इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की जो एक प्योरिटी थी, जिसको प्योरिटी कहेंगे हम, कि एक प्योरली किसान आंदोलन था, वो उसको एक खेत जरूर पहुंचेगी। उसको देख करके कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय आएगा कि क्या ये किसान है या कोई इसमें असामाजिक तत्व लौट घुस गए हैं। किसान संयुक्त मोर्चा जो है, अब वो भी अपनी तरफ से मान रही है कि ये काम किसानों का नहीं है, कुछ असामाजिक तत्वों का है। तो ये बात जरूर सवाल पूछेगा कि अगर असामाजिक तत्व थे तो क्यों किसान यूनियन ने एक ऐसी ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात सरकार से कही, जबकि वो उनके नियंत्रण में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अगर इस आंदोलन को देखें, पहले पूरे देश में इसको समर्थन नहीं मिला और अब जब ये उनको ट्रैक्टर रैली अलाउ की गई, तो उसके अंदर के घटनाक्रम में कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को ठेस पहुंचाई है। राहुल जी, ट्रैक्टर रैली को किसानों की रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा था।
अब किसान जब दिल्ली के भीतर पहुंच गए हैं तो अगली तैयारी क्या होगी किसानों की और प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ इसको देखते हुए पुलिस में शंका शंका ये है कि उनका प्लान दो तरह से हो सकता है। ये दिल्ली की पुलिस के आला अफसरों ने मुझे बताया कि एक तो उनका प्लान था कि राजपथ जाया जाए, जिसको रोक दिया गया। दूसरा लाल किले का था, जो कि वो सक्षम हुए हैं। और इसके अलावा अब दिल्ली पुलिस में शक ये है कि आईटीओ, लाल किले और तमाम ऐसी दिल्ली के अंदर की जगह पहुंचने के बाद इन किसानों का प्लान हो सकता है कि वो यहीं पे एक जमावड़ा लगाएं, एक धरना स्टेज करें, जिससे कि दिल्ली को जाम किया जा सके। दिल्ली पुलिस के इंतजाम इस चीज के लिए भी हैं कि जहां पे इस समय आईटीओ पे किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, यहां से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और दिल्ली के बड़े केंद्रीय सरकार के दफ्तर हैं। कोशिश ये होगी कि उनको रोका जाए, इसी जगह सीमित किया जाए। और देखना ये होगा कि अभी उनको खाली कराने की, आईटीओ जैसे चौराहों को खाली कराने की कोशिश या कवायद शुरू होती है कि नहीं। और देखिए, इससे सर आज 26 जनवरी होने के कारण शहर के अंदर जो है पब्लिक ऑफिसर्स और सब प्रतिष्ठान जो बंद होते हैं उसके कारण ये आसान है। लेकिन आज रात तक अगर दिल्ली पुलिस ने खाली नहीं कराया तो ये बहुत बड़ा आर्टेरियल रूट है, और बहुत बड़ा आर्टेरियल रूट होने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी का सबब हो सकता है दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली प्रशासन के लिए और केंद्र सरकार के लिए। ये थे इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, JioSaavn जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर यूट्यूब आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज हमारे वक्त की सबसे दुश्वार सच्चाइयों में से एक है। साल 2016 में पेरिस समझौता किया गया, दुनिया भर के देश शामिल हुए, करीब 190 देशों ने इस समझौते को सहमति दी कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करेंगे। भारत इस समझौते में शामिल होने वाले देशों में था। अभी महीने भर पहले की ही बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 को संबोधित किया और कहा कि भारत सोलर एनर्जी पर अपनी निर्भरता को बढ़ाते हुए पेरिस एग्रीमेंट को बखूबी फॉलो कर रहा है। अवर सोलर कैपेसिटी हैज ग्रोन फ्रॉम 2.63 गीगावाट्स इन 2014 टू 36 गीगावाट्स इन 2020। बहरहाल, एक तरफ प्रधानमंत्री का वक्तव्य, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की एक एनजीओ जर्मन वॉच का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। कल ये इंडेक्स जारी हुआ। अब इसमें क्या है? तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसमें उन देशों के नाम हैं जो जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 2000 से लेकर 2019 तक का इसमें आकलन है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि भारत से पहले मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान जैसे देश हैं। ऐसे में भारत का इन देशों के साथ टॉप 10 में शामिल होना क्या दर्शाता है? जहां सरकार का ये आकलन है कि हम कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, वहीं इस रिपोर्ट के उलट स्थिति बयां करने की वजह क्या है? यही पूछा मैंने नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल में क्लाइमेट रिजिलेंस एंड एयर क्वालिटी के लिए काम करने वाले पर्यावरणविद पोलाश मुखर्जी से। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट उन देशों को लिस्ट करती है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसका मतलब यह है जिसकी के क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट हैं, जो हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर, आपका बाढ़ आना या फिर साइक्लोन टॉर्नेडो का आना या फिर एक्सट्रीम हीट वेव का आना या फिर जो अनसीजनल डिजीजेज हैं वो, उसका अकरेंस बढ़ना, ये सारे चीजों का होना, इसका रैंकिंग किया गया है कि कौन से देशों में ये जो इफेक्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के वो सबसे ज्यादा देखे गए हैं। तो उसमें भारत नंबर 7 पर आया है। और मेरा ख्याल है कि ये रिफ्लेक्शन है इस चीज का कि क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज फ्यूचर की बात नहीं है, क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है। अगर हम पिछले साल की बात कर लें तो हम देखते हैं कि भारत में हमारे काफी शहरों में फ्लड्स आए थे, टॉर्नेडोज आए थे, पिछले साल एक लोकस्ट अटैक भी हुआ था। तो ये सारे जो है ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं और ये इनका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट साफ नजर आ रहा है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कुछ कर नहीं रहा है, मगर ग्लोबली अगर हम देखने जाए, अगर हम आईपीसीसी की रिपोर्ट की बात करें, तो टू डिग्री ग्लोबल वार्मिंग कंप्लायंट देश होना बहुत जरूरी है। तो इसमें भारत अपनी तरफ से कार्बन एमिशन रिड्यूस जरूर कर रहा है, मगर ये मेरे ख्याल से ये जो रैंकिंग है तो इस चीज का रिफ्लेक्शन है कि काफी और कुछ करना अभी बाकी है। अच्छा पोलाश, भारत के कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को अब यहाँ से किस दिशा की ओर देखा जाए, क्या मुश्किलें हैं इस राह में? जी देखिए, एक चीज है कि पेरिस अग्रीमेंट जो हुई थी 2015 में, उसमें भारत के जो लक्ष्य हैं उसमें भारत काफी हद तक उस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में काफी हद तक ऑन ट्रैक है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि G20 नेशंस में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्लायंट है, जो पेरिस अग्रीमेंट के जो ऑब्जेक्ट जो टारगेट हैं, कंट्री स्पेसिफिक टारगेट, उसको मीट करने के ऑन ट्रैक है भारत। तो इस हिसाब से भारत देखने जाए तो भारत अपने उद्देश्यों में सफल रहा है, मगर ये जो टारगेट्स हैं इसमें बढ़ोतरी लाने की जरूरत है। अभी भी काफी कुछ है जो हमारे देश में कर सकते हैं, खास करके क्लाइमेट चेंज में बेनिफिट्स लाने के लिए तो जरूर, मगर अपने खुद के एनवायरमेंट हेल्थ में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे हम देखते हैं कि भारत के जो सिटीज हैं वो काफी ज्यादा पोल्यूशन से प्रभावित है। इसके ही साथ साथ हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे काफी चर्चा हो चुकी है, तो इन दो टारगेट्स से अगर भारत काम करें और साथ ही साथ क्लाइमेट गोल्स को भी अचीव करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्लाइमेट कैलामिटीज है और रेजिलियंस बिल्डिंग पे फोकस करें खासकर, उसमें काफी सफलता प्राप्त हो सकती है। हालांकि कार्बन एमिशन रिडक्शन में काफी काम हो रहा है, रेजिलियंस बिल्डिंग में अभी भी काफी स्कोप है भारत के वेरियस काफी सारे शहरों में और खास करके वल्नरेबल कम्युनिटीज पे, और ये इसीलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई भी ये क्लाइमेट रिलेटेड जो कैलामिटी आती है, अब बाढ़ ले लीजिए या फिर साइक्लोन ले लीजिए, फिर लोकस्ट ले लीजिए, ये वल्नरेबल कम्युनिटीज को सबसे पहले प्रभावित करती है। जो गरीब हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, उनमें रेजिलियंस बिल्डिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और कैपेसिटी बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाने की बहुत जरूरत है। तो इस पे हालांकि काम शुरू हो चुका है, मगर ये एक एरिया है जहाँ पे काफी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये थे पर्यावरणविद पोलाश मुखर्जी। और हाँ, कुष्ठ रोग के बारे में जानते हैं आप? हाँ, वही लेप्रेसी, जिसे आज भी कई लोग छुआछूत की बीमारी समझते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं है, और इसका इलाज है। आज के हेलो डॉक्टर में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा चोपड़ा से प्रतीक वाघमारे ने बात की है। इसे आप सुन सकते हैं हमारे वेब पेज पर जाकर। वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। जयप्रकाश त्रिपाठी हिंदी के कवि हैं। आज उनकी एक कविता की पंक्ति मुझे याद आ रही है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, हरदम प्राइस वॉर देखिए। तो कारण जनाब ये है कि पेट्रोल डीजल के लिए अब तक ये कहा जाता था कि 100 तक पहुंच रहा है, पर आज पहुंच भी गया और उसके पार भी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सोमवार को प्रीमियम पेट्रोल 101.54 रुपये प्रति लीटर बिका, जबकि सामान्य पेट्रोल 97.69 रुपये प्रति लीटर बिका। राजस्थान में पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28% टैक्स राज्य सरकार की तरफ से लगता है, और कोरोना के दौरान फंड जुटाने के लिए राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10% अतिरिक्त वैट लगा दिया, और यही वजह रही कि राज्य में पेट्रोल डीजल और भी महंगा हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों को मीम मटेरियल मिल गया। इधर राजस्थान में पेट्रोल की सेंचुरी से आम नागरिक और व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने राज्य सरकार से वैट की दरें कम करने की गुहार लगाई है। तो पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स वसूला जाता है उसका डिवीजन कैसा है? केंद्र क्या रखती है? राज्यों के खाते में कितना जाता है? क्यों राज्य और केंद्र के बीच बहस टैक्स आप घटा लो नहीं आप घटा लो यहां पर आकर क्यों रुकती है? यही पूछा मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से।
पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है वो जीएसटी से बाहर है, और इसलिए राज्य सरकारें अपने हिस्से का टैक्स वसूलती हैं और केंद्र सरकार अपने हिस्से का टैक्स वसूलती है। तो जो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लगती है, यानी जो पेट्रोल डीजल के उत्पादन पर रिफाइनरी पे जो टैक्स लगता है और कच्चे तेल के आयात पर जो ड्यूटी लगती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, और जो वैट लगता है जिसको कि हम जीएसटी के बाहर राज्य सरकारें लगाती हैं वो राज्य सरकारों के पास रहती है। अब केंद्र सरकार जितना भी एक्साइज या कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करती है उसको एक रेशियो में उसके हिस्से के तौर पर अलग अलग राज्यों को ट्रांसफर करती है। जो पुराना हिसाब किताब था 2016-17 तक के जो आंकड़े थे उस हिसाब से जो केंद्र ने जो ड्यूटीज कलेक्ट की थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा, ठीक ठाक हिस्सा राज्यों को दिया गया था केंद्र से सहायता के तौर पर ये दोनों टैक्सेस पेट्रोल डीजल ऐसा टैक्सेस उस पर केंद्र अलग टैक्स लगाता है और राज्य अलग टैक्स लगाता है। तो अंशुमान जी, पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होने ही चाहिए क्योंकि इसका असर हर तरफ दिखाई देता है, लेकिन सवाल यह है कि इसे कम क्यों नहीं किया जा सकता? क्या सरकार की जेबें आज के समय में इस स्थिति में हैं कि वो उसे हल्का करने का जोखिम उठाएं? नहीं हो सकता, क्योंकि करना चाहे तो सरकार कर सकती है, पर समस्या है ना कि हमारी सरकारें इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा खर्च करती हैं, क्योंकि हमने मंदी के इस दौर में जब पूरी दुनिया में सरकारों ने चीजों की कीमतें कम करने की कोशिश की, भारत में रिकॉर्ड टैक्सेशन हुआ पेट्रोल डीजल पर, केंद्र सरकार का बाकी सारा रेवेन्यू पिछले साल मंदी और लॉकडाउन के कारण टूट गया, पर पेट्रोल डीजल से 48% ग्रोथ हुई केंद्र सरकार के रेवेन्यू में। और हमें ध्यान रखना होगा कि पिछले साल पेट्रोल डीजल की बिक्री उसके साल से काफी कम थी, यानी कि पेट्रोल डीजल कम बिका पर सरकार ने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। तो जब केंद्र सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया तो राज्य सरकारें उसके ऊपर टैक्स लगाती हैं। जैसे कि आप ये समझें कि मान लीजिए 19 से 20 रुपए के आसपास पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार टैक्स लगाती है और 15 से 16 रुपए डीजल पर लगाती है, जबकि राज्य सरकारों में ये 17 रुपए और 10 रुपए के आसपास है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के रेवेन्यू बड़े पैमाने पर उस चीज पर निर्भर है जिससे हमारी जिंदगी सीधे प्रभावित होती है, जिससे हमारी जिंदगी जीने की लागत बढ़ती है, हमारे 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 ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ता है, हमारे लिए भाड़ा बढ़ता है जो कि सामान आता है। लेकिन सरकारों के खर्चे इतनी बुरी तरह उन्हें फंसा चुके हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी किए बिना उनके खर्चे चलना मुश्किल है, और इसीलिए जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाए जाने की संभावना फिलहाल नहीं है, और जब तक मंदी दूर नहीं हो जाती पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम होने की गुंजाइश भी नहीं। अंशुमान जी, एक और सवाल है कि क्या कुछ गुंजाइश नजर आती है आसपास की कीमतें रोकें आगे बढ़ने से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस साल सरकार को करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, जिसमें से 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास 4.5-5 लाख करोड़ रुपए का लॉस एस्टिमेटेड है केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज के तौर पर। जीएसटी में बड़ा नुकसान है, इसलिए राज्यों को केंद्र सरकार पैसे नहीं दे पाई, और इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र को राज्यों से के लिए कर्ज देने के लिए आरबीआई से एक स्पेशल विंडो का अरेंजमेंट करना पड़ा जहां से उनको कर्ज मिल रहा है। आने वाले समय में जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य विकास दर की स्थिति में नहीं आ जाती, जो अगले साल नहीं आ पाएगी उसके बाद की स्थिति में आएगी, और सरकार का सामान्य रेवेन्यू जीएसटी से और बाकी चीजों से आना नहीं शुरू होता, पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कमी की गुंजाइश कम है, छोड़कर उस वक्त को जब कोई चुनाव सामने ना खड़ा हो। तो चुनाव जब होगा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें चुनाव के भारत में अंतरराष्ट्रीय बाजार की दरों के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम ज्यादा नहीं होती, आने वाले चुनावों के आधार पर होती है। तो चुनाव के आसपास हम थोड़ी बहुत कमी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल टैक्स कम करने की गुंजाइश सरकार के पास नहीं है, जो अभी सरकार के खजाने की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। डिजिटल स्पेस में आपकी प्राइवेसी ठेंगे पर रहती है। किसी को आपकी प्राइवेट चीज़ों का एक्सेस चाहिए सेवाएं बेहतर बनाने के नाम पर, तो कोई सेंधमारी करने में जुटा है और आपका डेटा चुरा कर सरे बाजार नीलाम किए दे रहा है। अब तक डार्क वेब को लेकर ऐसी खबरें आती थीं कि वहां लोगों के नंबर, उनका प्राइवेट डेटा बेचा जा रहा है, लेकिन अब खबर आई है कि टेलीग्राम पर ऐसा हो रहा है और ये डेटा फेसबुक से जुटाया गया है। अब फेसबुक के लिए डेटा ब्रीच तो कोई नई बात है नहीं, समय समय पर फेसबुक से किसी न किसी तरह से डेटा लीक होता ही रहता है। इस बार सिक्योरिटी रिसर्चर एलन ने बताया है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 100 देशों के 50 करोड़ फेसबुक यूजर्स के फ़ोन नंबर्स का डेटा है और वो इसे टेलीग्राम बॉट के जरिए टेलीग्राम पर बेच रहा है। अब ये टेलीग्राम बॉट क्या है और कितना गंभीर है ये मामला, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में टेक जर्नलिस्ट मनीष तिवारी से। जब भी किसी यूजर का डेटा लीक होता है या इफ वो वल्नरेबल है तो ये अपने आप में एक बहुत सीरियस बात है, और यहाँ पर हम एक या दो यूजर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि 500 मिलियन यूजर्स की बात कर रहे हैं। तो नो डाउट कि ये बहुत ही सीरियस एक इशू है कि इस तरह से आपका जो फेसबुक आईडी है या आपके जो फोन नंबर है उसे किस तरह से कोई एक ऐसा डेटाबेस तैयार कर लेता है जिससे वो कहीं पे भी किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। जो टेलीग्राम बॉट की यहाँ बात हो रही है वो एक्चुअल में ये है कि जो भी ये यूजर है उसने क्या किया कि फेसबुक में एक वल्नरेबिलिटी उसे मिली, उसके थ्रू उसने एक यूजर्स का डेटाबेस
बना लिया जहां पे आपका फोन नंबर और फेसबुक आईडी उसके पास है। अब इसने रिसेंटली एक टेलीग्राम ऐप पे एक बॉट बनाया जहां पर अगर आपको किसी का भी फोन नंबर चाहिए, आपको उसकी फेसबुक आईडी पता है, तो आप इस बॉट्स के जरिए बात करके वो नंबर ले सकते हैं। तो बॉट आपने देखा होगा हम अक्सर कई एप्स वगैरह यूज करते हैं जहां पर ऑटोमेटेड रिप्लाईज हमें मिलते हैं, एक चैट का ऑप्शन होता है जहां हम मैसेज करते हैं और सामने से ऑटोमेटेड रिप्लाई होता है। तो इस तरह से ये बॉट्स आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बहुत सारे एप्स और प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। आइडिया एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए होता है, यहां पर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से ये बॉट बनाकर जो है कि अगर आपके पास फोन नंबर है तो आप मेरा फेसबुक आईडी निकलवा सकते हैं, अगर आपके पास मेरा फेसबुक आईडी है तो आपको मेरा फोन नंबर उस बॉट के थ्रू मिल जाएगा। अच्छा मनीष, अब टेलीग्राम बॉट तो एआई के जरिए बना है, फिर इसमें टेलीग्राम क्या कर सकता है और क्या इसके पीछे के साजिशकर्ता को पकड़ा जा सकता है? देखिए, पकड़ना इस तरह के एलिमेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि आपको आइडेंटिटी नहीं पता होती, सीक्रेटली ये लोग ऑपरेट करते हैं, इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ऐसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना और उन अकाउंट्स को एलिमिनेट करना, ये काम जरूर एप्स कर सकती हैं। इनफैक्ट थोड़े से शायद इन्हें और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाने चाहिए ताकि इस तरह के बॉट्स जो है वो क्रिएट ही ना किए जा सके इन द फर्स्ट प्लेस। और अगर हो भी गया और आपको पता चलता है, मान लीजिए आप कल को किसी ऐसे बॉट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको जैसा मैसेज आता है, आपको पता है, उस आईडी को यूज करके उस आईडी को ब्लॉक किया जा सकता है। अब उसके पीछे कौन है उसको पता लगाने के लिए अगेन जो भी साइबर रूल्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी फर्म्स हैं या जो पुलिस है, उन लोग को एक्ट करना पड़ेगा और उसके थ्रू इस तरह की एक्टिविटीज को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये थे इंडिया टुडे में टेक जर्नलिस्ट मनीष तिवारी। और इसी के साथ दिनभर में अब आपसे विदा लेने का वक्त है। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक देने के लिए आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया भी एक जरिया है, यहाँ पर भी आप हमें अपने कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर हम हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, हमें आपसे जुड़कर खुशी होगी और आपको कार्यक्रम का अपडेट भी मिलता रहेगा। अब इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।